चुनावी महासंग्राम के इस दौर में जहां राजनीतिक उठापटक एक रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है, हम आए हैं कहां? कानपुर। ये पता लगाने की कांग्रेस की तुरुकी की, यानी प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से जमीनी हालातों पर क्या असर है, क्या असर है? ये मेरा घर मेरा चमन, सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार। आप क्या कर सकते हो? राहुल गांधी के लिए जान भी दे देंगे हम लोग। कैमरा के लिए ज्यादा बोल गए। कैमरा नहीं, वो कांग्रेस के उनके परिवार ने बलिदान दिया है और आज भी राहुल 70 साल में क्या किया जो आप इधर आए? एक सेकंड इधर इधर। आप क्या किया? अरे 5 साल तो दो, 5 साल तो दो उसको। अरे 5 साल दो ना, 70 साल में क्या किया? आज दे रहे मास्टर विराज, आज दे रहे। आप बोलो, एक एक करके बोलो ना, एक एक करके। आप बोलो, आप बोलो, हम जवाब देंगे। एक एक करके वही आदमी कहता है। चुप चुप। एक सेकंड पहले बताइए, दाढ़ी कलर करना आपने शुरू कब किया? ये मैं करीब 15 साल। इट लुक्स वेरी नाइस सर, आई मस्ट टेल यू, आई मस्ट कमेंट यू ऑन इट। कैमरा में दिखाइए सर। थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, इसीलिए BSNL डूब चुकी है, जेट एयरवेज डूब चुका है, बेरोजगारी दर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मोदी जी 20 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी को कोई बोर्ड नहीं देना है, पढ़े लिखे लड़के पकौड़े तल ले वहाँ पे। आधी जगह कभी नौकरी दी किसी को? कुछ नहीं करी। राहुल गांधी चोर है, ट्रेन का भी चोर है। और मोदी जी? मोदी सही है। अरे बाप रे, आंटी तो वॉकआउट कर रही है। आंटी और कुछ बोलिए ना। अच्छा सुनो, वो लोग बोलते हैं आपातकाल लगाया कांग्रेस ने, इमरजेंसी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब हवा है, हवा हवा है। क्या बोल रहे हो, एक्चुअल बात है। लेकिन ऑपोजिशन बोलती है कांग्रेस ने किया आपातकाल। बाउंस मार गए उस्ताद, बाउंस मार गए। अमित शाह देश का सबसे बड़ा नक्सलवाद है। आपका नाम बताओ, एड्रेस बताओ, आपके घर यूपी पुलिस आ जाएगी है? नाम और एड्रेस? मैं रितेश यादव, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ। अरे अरे भैया, एक नारा था भारत माँ की तीन धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। आज अडवाणी को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। ये मोदी जो अपने गुरु का नाम हुआ, वो देश का क्या होगा? सत्ता का भूखा है बस, कुछ नहीं। सत्ता का भूखा है भाई, हमारा प्रधान सेवक ऐसे बात कर दिया। अरे अंकल, ऐसा ना मोदी जी का चैनल हो। मोदी जी का समझ गए, पैसे मिलते हैं भाजपा से? नहीं नहीं, एक मिनट, पैसे आपको मिलते हैं, पैसे मिलने भी चाहिए। क्यों? आपको भी मिलने चाहिए। जो हमारा जनमानस है, जिन्होंने उन पे विश्वास किया था कि 15 लाख आएंगे, हम कह रहे 15 लाख नहीं, कम से कम 5 साल में 1 लाख तो दे दो। नहीं ऐसा नहीं, नहीं। अरे प्रियंका गांधी जी के तजुर्बे के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस। प्रियंका गांधी जी का तजुर्बा अभी नहीं है प्रियंका जी राजनीति में। हिंदुस्तान की जनता प्रियंका गांधी जी के अंदर इंदिरा गांधी जी की छवि देखती है, जो एक आयरन लेडी कहलाती है। प्रियंका गांधी से हमें अपेक्षा है कि वो हिंदू पाकिस्तान के 10 टुकड़े करेगी। जाना पहचाना, भूल नहीं जाना, पंजे का निशान भैया। आज तक राहुल गांधी ने गरीब को अनाज तक नहीं दिया। वो लोग बोलते हैं अरे प्रधानमंत्री, उनके तो सांप पूरी चली आई। उनके परिवार, उनके परिवार कौन नहीं प्रधानमंत्री रहा भाई, उनको बोलने दो यार। अरे क्या लेना रही यहाँ, क्या मुंह दिखाएगी वो यहाँ? कौन खाली चुपट चुपट के वोट लेगी? प्रियंका गांधी और जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं, चोर है। एक ही जीतेगी, वो है प्रेम का, बस और कोई नहीं। वो तो इलेक्शन लड़ रही है कि नहीं, अभी तो क्लियर नहीं है ना। आए? क्या हुआ, ऐसे ही वो आ रही है क्या? वो आ रही है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी है। वही सही कह रहे भैया। अरे आपको नहीं पता, अरे कल इतने नादान परिंदे घर आ गया। IPL में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? कांग्रेस को है, कांग्रेस बोल देंगे। अरे IPL की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का दे रहे। ईसा मौलाना
आज पोजीशन ये है कि सिविल लाइन हाई बीपी हो जाएगा, रिलैक्स करो। क्या दिक्कत है मेन कानपुर की, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं कानपुर में, कोई दिक्कत नहीं, सब समझते बढ़िया। तो भाजपा को दीजिए ना, फिर देंगे भाजपा को भी देंगे, उनको भी देंगे। कि पुलवामा कांड आतंकवादियों ने नहीं कराया, उन्होंने खुद कराया है। ये स्वीकृति है, ये उनकी स्वीकृति है कि आतंकवादी हमला नहीं हुआ। आप ये क्या बोल रहे हो, आप ये क्या बोल रहे हो? अरे एक सेकंड यार, एनर्जी कम जा रही है, नींद भी आ रहा है। रात को सोए नहीं ना, दिल्ली से कानपुर आए, गाड़ी में नींद नहीं आया। आप कॉमेडी कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर हम बताएं आपको आंसर दे दें। हम कॉमेडी में आंसर निकलवा रहे हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस है यंग, उनको सीरियस समझ नहीं आता। यंग लोगों तक अगर पॉलिटिक्स पहुंचानी है तो मजाक करिए और फिर सब्सक्राइब करिए स्कूप कूप अनस्क्रिप्टेड को। स्कूप कूप चैनल है इनका, है ना? आप कूप कूप कर देते हो, है ना? ये बताओ ना, एक एंकर दिख रहा है पूरे में, इतनी भीड़ में खाली एक आप। अरे सर आपका आशीर्वाद है दुबे जी। आशीर्वाद क्या, पीछे से जेब भी तो कट गई थी। भी देखो ना अंकल जी, हटो हटो हटो, मित्र हो जाओ। दीदी आ गई, सेल्फी मैम, मैम सेल्फी। 3 बजे आना था प्रियंका जी को, आई है 6:30 बजे, लेकिन जब से आई है भाई, अरे बाप रे, 6 किलोमीटर की सड़क चक्का जाम, लोग बैल्कनी पे खड़े हैं, मतलब रॉयल्टी लग रहा है, एकदम रॉयल्टी वाली फील है, एक रॉयल्टी वाली फील है। गाड़ी एकदम अमीरियत की हद, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, एसपीजी, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग इज हियर। राजीव गांधी जिंदाबाद। कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन है? राजीव गांधी कौन है? राजीव गांधी। राजीव बोलो ना, राजीव क्या बोल रहे हो?